मुरादाबाद में आज कश्यप समाज के लोग कई जनपदों से इकट्ठा होकर मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में पहुंचे और बिलारी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अंबेडकर पार्क में पहुंचे कई जनपदों के लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर बिलारी पुलिस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया, साथ ही रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। योगी पुलिस के खिलाफ हुए प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर रही। इस दौरान पुलिस और कश्यप समाज के लोगों के बीच काफी कहासुनी भी हुई और कमिश्नर कार्यालय तक मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र का, जहां पर 8 जुलाई को कश्यप समाज की महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसमें मुकदमा दर्ज किया, लेकिन उसमें एक ही आरोपी को जेल भेजा था, जिससे कश्यप समाज के लोग नाराज थे, जिसकी वजह से आज सभी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है। हमारी मांग आप लोग जानते हैं कि 8 जुलाई को बहन ओमवती कश्यप का बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। उनके साथ में गैंगरेप हुआ है और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। यदि पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण देगा तो हम ये आंदोलन हमेशा चला करके रखेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। और आप जानते हैं 20 जुलाई को हमने DMSP साहब को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन हमारे ज्ञापन कूड़े में फेंक दिए गए और आज 1.5 महीना हो गया, कोई इंसाफ की बात नहीं की पुलिस प्रशासन ने। आज हमने धरना रखा तो आज ये सब लोग आ गए लाठी चार्ज करने का हमें धमकी दे रहे हैं और डरा रहे हैं। हमारे लोग इस धरने में आ रहे थे, कम से कम 150 ट्रैक्टर ट्रेली पुलिस प्रशासन ने घर घर जा कर के डराए धमकाए रोके हैं। तो साथियों, इनके डराने धमकाने से हम लोग नहीं रुकेंगे। आप लोग जानते हैं यदि किसी समाज की इज्जत उतर जाती है तो बात फिर इज्जत मान सम्मान की बन जाती है। आपके भाई ने ये ताला भी ला रखा है, आज ये संदेश है मेरा, ये पुलिस प्रशासन को संदेश है मेरा, यदि आप लोग भ्रष्टाचारियों का साथ दोगे, अपराधियों को बलात्कारियों को संरक्षण दोगे तो आपका इस ज़िले में कोई काम नहीं। आपके कार्यालय में ताला मारकर हम लोग मांग करेंगे यहाँ पर नए SPDM को भेजा जाए जो समाज की पीड़ा को जाने समझे। और आज इस धरने में हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है कि 15 दिन के अंदर अंदर बलात्कारियों पर कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा। अच्छा, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई हुई? अभी एक लड़का जेल भेज दिया गया और 3 लोगों के नाम निकाल दिए गए। यदि एक घटना में 3 लोग वहीं पर मौजूद हैं, उनकी लोकेशन है और पुलिस कह रही है कि वो मौजूद नहीं है, भला 30 मीटर की दूरी पर घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्या वो लोग उसमें मौजूद नहीं होंगे? महिला के साथ में जब हाथापाई या उसकी इज्जत को लूटने का कोशिश किया जा रहा था, क्या महिला चिल्लाई होगी, रोई होगी, गिड़गिड़ाई होगी, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है वो लोग नहीं थे। अरे नहीं थे तो आप मुझे प्रूफ दो। जब घटना को अंजाम दिया गया तो ज़मीन गिल्ली थी, क्या पुलिस प्रशासन का फर्ज नहीं बनता वहाँ से फुटप्रिंट उठाए जाएँ? क्षेत्रीय जो पुलिस है उसने क्या जवाब दिया था? उसने यही दिया, हमें यही बताया गया था कि वो 3 लोग अपराधी नहीं हैं, उनका लोग ऐसे ही नाम ले रहे हैं। अरे भाई, लोग क्यों नाम लेते हैं, वो तो उनकी तो लोकेशन वहीं की है। आज उसी गांव के 2 ट्रैक्टर ट्रेली इस गांव में इस धरने में आए हैं। यदि ये जो 200 लोग उसी गांव से आए हैं, क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? आगे का प्लान है 1 लाख बाइकों की रैली के साथ में हम जो है लखनऊ का विधानसभा का घेराव करेंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।